हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को बताने वाला है, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो यदि फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर पहला दिया है फ्रेंड्स, कि संवेग परिवर्तन की दर तुल्य होती है। तो ए ऑप्शन दिया वेग के, बी ऑप्शन दिया त्वरण के, और सी ऑप्शन दिया बल के, और डी ऑप्शन दिया बल के आवेग के। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो किसके तुल्य होती है, तुल्य मतलब होता है फ्रेंड्स बराबर होती है। तो देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका पहला दिया फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बल के। अब देखिए फ्रेंड्स, एक आपका होता है फ्रेंड्स संवेग। तो संवेग क्या होता है फ्रेंड्स, कि एम इंटू वी होता है, यानी कि मास और वेग का जो गुणनफल होता है वो आपका संवेग होता है। और इसमें बोल रहा है कि संवेग परिवर्तन की दर तुल्य होती है, यानी कि उसके दर को हम जब ज्ञात करते हैं तो किसके तुल्य होती है, तो बल के। तो यानी इससे ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरा दिया है, कि घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ए ऑप्शन दिया गुरुत्वाकर्षण पर, और बी ऑप्शन दिया जड़त्व पर, सी ऑप्शन दिया संवेग संरक्षण पर, और डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका प्रश्न नंबर दूसरा दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण पर, यानी कि आपका जो सी ऑप्शन दिया है ये आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आपका प्रश्न नंबर तीसरा दिया है, कि गति के पहले नियम को कहते हैं। तो ए ऑप्शन दिया गुरुत्व का नियम, बी ऑप्शन दिया उत्प्लावकता का नियम, और सी ऑप्शन दिया जड़त्व का नियम, और डी ऑप्शन दिया परावर्तन का नियम। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तीसरा दिया है फ्रेंड्स, एक जो गति का पल, देखिए फ्रेंड्स गति के तीन नियम होते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड होता है, ठीक है। तो जो प्रथम नियम क्या होता है फ्रेंड्स, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, और कोई वस्तु स्थिर अवस्था में तो स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक उसको कोई बाहरी बल न लगाया जाए। और सेकंड क्या होता है फ्रेंड्स, सेकंड आपका होता है कि एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है, यानी कि जो आपका मास होता है, और जो आपका ए क्या होता है फ्रेंड्स, आपका होता है त्वरण। तो इसके जो गुणनफल होते हैं वो आपका जब सेकेंड होता है, ठीक है। और जो तीसरा होता है आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, यानी यदि हम किसी पहली वस्तु से दूसरी वस्तु बल लगाते हैं तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर विपरीत बल लगाता है, ठीक है। तो इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो देखिए, गति के पहले नियम को हम कहते हैं, ए मतलब कहते हैं, आप देखिए इससे ऑप्शन दिया है तो आपका राइट हो जाएगा जड़त्व का नियम, यानी इससे ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर चौथा दिया है, कि गोली चल चुकने के बाद बंदूक और गोली का कुल संवेग कितना होता है। तो ए ऑप्शन दिया शून्य, और बी ऑप्शन दिया अधिकतम होता है, सी ऑप्शन दिया गोली के वेग के बराबर होता है, और डी ऑप्शन दिया बंदूक के पीछे हटने के बराबर। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका चौथा दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य होता है, ठीक है। अब देखिए, प्रश्न नंबर जो आपका पाँचवा दिया है, कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति जिस बल के कारण है वह है। तो ए ऑप्शन दिया गुरुत्वाकर्षण बल, बी ऑप्शन दिया गुरुत्व बल, सी ऑप्शन दिया अभिकेंद्र बल, और डी ऑप्शन दिया विकर्षण बल। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका पांचवा है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिकेंद्र बल, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आपका प्रश्न नंबर छठा दिया है, प्रश्न नंबर सिक्स दिया है, कि हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं। तो ए ऑप्शन दिया चंद्रमा की, बी ऑप्शन दिया पृथ्वी की, सी ऑप्शन दिया सूर्य की, और डी ऑप्शन दिया क्षुद्र ग्रहों की। तो देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर सिक्स दिया फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सूर्य की। जो हमारे पृथ्वी के चारों जो जितने भी ग्रह हैं फ्रेंड्स, वो परिक्रमा किसे करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है ना। यानी कि इसके चारों ओर देखिए, हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं, तो सूर्य की। अब देखिए, चलो देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड, जो आपका प्रश्न नंबर सातवा दिया है, कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है। ये ऑप्शन दिया है छः गुना, और बी ऑप्शन दिया पाँच गुना, और सी ऑप्शन दिया आठ गुना, डी ऑप्शन दिया चार गुना। देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका सातवा दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा छः गुना, ठीक है। अब देखिए, प्रश्न नंबर जो आपका आठवा दिया है, कि भार का ऐसा ही मात्र होता है। देखिए फ्रेंड, जो आपका भार होता है वो आपका होता है फ्रेंड्स एम इंटू जी होता है, और देखिए आपका एक बल एफ इज इक्वल टू होता है एम इंटू ए होता है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आपका त्वरण होता है, और जी आपका होता है फ्रेंड्स गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि हम यहाँ से इस बल का मात्रक यदि हम निकालें, तो इसका जो मात्रक होता है फ्रेंड्स न्यूटन आता है, ठीक है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, और या इसी को हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स के जी इंटू मीटर और प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि त्वरण का मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और द्रव्यमान का मात्रक के जी होता है, के जी इंटू मीटर अपान में सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए, जो भार का एसआई मात्रक पूछ रहा है, इंटरनेशनल सिस्टम होता है एसआई का मात्रक, यहाँ से एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो जो भार का भी यहाँ से यदि हम मात्रक निकालेंगे तो न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो आपका ए ऑप्शन दिया है आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आपका प्रश्न नंबर यहाँ पर नौवां दिया है, कि किसी वस्तु का द्रव्यमान किसकी माप होती है। तो ए ऑप्शन दिया है जड़त्व की, बी ऑप्शन दिया गुरुत्व की, सी ऑप्शन दिया भार की, डी ऑप्शन दिया संवेग की। तो देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका नौवां दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व की, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर दसवां दिया है, कि यदि पृथ्वी की द्रव्यमान एम ई तथा त्रिज्या आर ई है, तो गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान होगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन दिया कैपिटल जी एम ई,
का होल स्क्वायर अपन में आरी होल स्क्वायर। अब ऑप्शन दिया कैपिटल जी एम ई अपन आरी होल स्क्वायर, और सी ऑप्शन दिया कैपिटल जी एम ई अपन आरी, और डी ऑप्शन दिया कैपिटल जी एम ई स्क्वायर अपन में आरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जो आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए फ्रेंड्स जो आपका दसवां दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैपिटल जी एम ई अपन में आरी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तो देखिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको 10 सबसे महत्वपूर्ण फिजिक्स के क्वेश्चन को बताया है, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।